सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। HMS Terror और Erebus ये दो शिप थे इंग्लैंड के, और HMS का मतलब होता है Her His Majesty's Ship। ये दोनों शिप बेसिकली बनाए गए थे जंग लड़ने के लिए। HMS Terror शिप को बनाया गया था 1812 में। ये 102 फीट लंबा था, 325 टन की वजन थी। इसमें दो मोटर्स और 10 कैनन लगाए गए थे दुश्मनों से लड़ने के लिए। ये शिप लड़ती रही 1828 तक, जब जंग लड़ते लड़ते इस शिप की हालत बहुत ही खस्ता हो गई और इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। मगर 1830 में टेरर की मरम्मत की गई, और क्योंकि ये एक जंगी जहाज था तो बर्फ के प्रेशर को भी सह सकता था, इसीलिए 1830 में इसे पोलर एक्सपेडिशंस के लिए यूज में लाया गया। वहीं पर HMS Erebus शिप को बनाया गया था 1826 में। इसका वजन था 370 टन। इसमें भी टेरर शिप की तरह दो मोटर और 10 कैनन लगाए गए थे। ये भी एक जंगी जहाज था जो कि 1840 में टेरर शिप के साथ साथ इस्तेमाल किया जाने लगा एक्सपेडिशंस के लिए। ये दोनों शिप बहुत बार ट्रैवल कर चुके थे पोलर एंटार्कटिक एक्सपेडिशंस पे, जहां पर ये रास्ते और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, चीजों और रास्तों को एक्सप्लोर और ढूंढते, और उन जगहों को ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट एक्सेट्रा पे नामकरण कर देते। तो 1845 में टेरर और Erebus शिप इंग्लैंड से निकलते हैं रास्ता ढूंढने आर्टिक से। इस एक्सपेडिशन को नाम दिया गया फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन, क्योंकि इस एक्सपेडिशन के लीड कमांडर थे जॉन फ्रैंकलिन, जो कि Erebus शिप में ट्रैवल करते थे, और एक और कमांडर थे फ्रांसिस क्रोजियर, जो कि टेरर शिप में ट्रैवल करते थे। इस एक्सपेडिशन में इन दोनों शिप्स को मैग्नेटिक डेटा हासिल करना था कैनेडियन आर्टिक का, और एक पूरा रास्ता कवर करना था नॉर्थ वेस्ट पैसेज का, जिसका नक्शा तो बनाया जा चुका था मगर आज तक हिस्ट्री में कभी भी किसी ने भी इस रूट से ट्रैवल नहीं किया था। उम्मीद थी कि इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए इन दोनों शिप्स को लगभग 3 साल का वक्त लग जाएगा। जर्नी के लिए इन दोनों शिप्स पर जरूरत की सारी सामान मौजूद थी, जैसे 2 टन तंबाकू, 8,000 टिन के खाने, लगभग 8,000 लीटर की दारू, 1,200 बुक थे वक्त बिताने के लिए, और ठंडी में शिप को गर्म रखने के लिए इसको इंजन से कनेक्ट किया गया था ताकि गर्मी पूरे शिप में फैलती रहे। दोनों शिप्स को मिलाकर टोटल 130 लोग थे इस जर्नी में, मगर दोनों शिप्स आगे जाकर गायब हो जाते हैं और कोई न्यूज नहीं आती इन दोनों ही शिप्स की। बल्कि जिन लोगों को इस शिप्स को ढूंढने के लिए बाद में भेजा जाता है, वो लोग भी इस शिप्स का पता नहीं लगा पाते। मगर शॉकिंगली रिसेंटली 2014 में HMS Erebus शिप और 2016 में HMS Terror शिप दोनों को ही ढूंढ लिया गया। इस जर्नी की शुरुआत कैसे होती है, जर्नी के दौरान क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है इन सभी लोगों को, और कैसे वो इन सभी चीजों से, यानी कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीजों से निपटते हैं, और कैसे अपनी जान बचाने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं, यही सब चीजें इस टीवी सीरीज में दिखाई गई है। द टेरर सीजन 1 ये टोटल 10 एपिसोड की पहली सीजन है, जिसका हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, और लकीली ये पूरे 10 एपिसोड हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये टोटल सीजन यानी कि 10 एपिसोड्स की ये सीजन हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप जो भी लोकल लैंग्वेज में इसे एंजॉय करना चाहते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। और इस टीवी सीरीज का रिव्यू देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा टीवी सीरीज सत्य घटनाओं पर आधारित है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सारी चीजें असल में हो चुकी हैं। तो क्या क्या हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। इस टीवी सीरीज में बहुत ही कम नामी एक्टर्स लोगों ने काम किया है, और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनको या तो आप पहली बार इस टीवी सीरीज या ऑनलाइन देखेंगे, या फिर ये वो लोग हैं जो उतने फेमस नहीं हुए हैं या जिनको बड़े बजट की टीवी सीरीज या मूवीज अभी तक नहीं मिली है। नामी लोग हैं जैसे जैरड हैरिस, जिन्होंने काम किया था कैप्टन फ्रांसिस क्रोजियर का, जो कि टेरर के कैप्टन थे। सर जॉन फ्रैंकलिन का काम किया है फेमस सायरन हिंड्स ने, जो कि Erebus के कैप्टन थे। और भी काफी लोग हैं जिन्होंने काफी डिसेंट एक्टिंग की है इस टीवी सीरीज में, मगर उनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, वरना ये रिव्यू थोड़ी लंबी घिंच जाएगी। टीवी सीरीज का पहला एपिसोड काफी अच्छा है। जब ये शिप्स जर्नी पर निकलते हैं, इसमें आपको पोलर सीन्स दिखाए गए हैं, जो कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सफेदी है, मगर फिर भी इन सबके बीच सिर्फ दो शिप्स के अलावा कुछ न दिखना बहुत ही खूबसूरत, ऑसम और ब्रेथ टेकिंग लगता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें या ये सब ब्रेथ टेकिंग सीन्स डरावने भी लगते हैं। पहले एपिसोड के एंड में ही दिखा दिया गया कि दोनों शिप जो बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, बर्फ के बीच में ही फंस जाते हैं, क्योंकि बर्फ जमने लगती थी। सेकंड एपिसोड में ये बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं, और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये बर्फ के पिघलने का इंतजार करेंगे, मगर तभी कोई अनजान जानवर या चीज इन लोगों का शिकार करने लगती है। आगे के एपिसोड्स में ये लोग कैसे इस चीज या जानवर से लड़ते हैं या बचते हैं ये दिखाया गया है। इतना ही नहीं, आगे के एपिसोड्स में खाने पीने को लेकर टेंशन बढ़ जाती है, और ऑलमोस्ट 1 साल तक उसी जगह पर फंसे रहने के बाद इन लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है। कई बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी उस वक्त में नहीं
नहीं था। सो स्लोली स्लोली हर एक एपिसोड में टेंशन बढ़ने लगता है और आप ये सोचने लगते हैं कि बॉस अब इन लोगों का क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ड्रामा और बहुत सारे ड्रामा और कन्वर्सेशन के अलावा 8th एपिसोड तक आपको कुछ भी खास नहीं मिलता। जी हाँ, जरूर एक तो सीन्स है बीच बीच में जो कि आपका इस टीवी सीरीज में इंटरेस्ट बना के रखते हैं, बट उसके बाद में यानी कि उस सीन खत्म होने के बाद में इतना ड्रामा भर दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप लिटरली इस टीवी सीरीज से इंटरेस्ट खो बैठने लगते हैं। टीवी सीरीज लिटरली पिकअप करती है 8th एपिसोड से, जहां पर लिटरली ह्यूमन कैनिबलिज्म दिखाया गया है। कैनिबलिज्म ये क्या है? कैनिबलिज्म उसे कहते हैं जब एक ही प्रजाति का जानवर एक दूसरे को खाने लगे। अब ये कोई जानवर भी हो सकता है या इंसान भी हो सकता है। जी हाँ, इंसानों का कैनिबलिज्म दिखाया गया है इस टीवी सीरीज में, एंड लिटरली देयर आर सम सीन्स जो कि आपका दिल दहला देता है। ये पूरी टीवी सीरीज एक्चुअली आदमी और उसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस को एक्सप्लोर करती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब खुद पर आती है ना बॉस, तब पता चलता है कि बहुत ही कम लोग उम्मीद पर कायम रहते हैं और ज्यादातर लोग उम्मीद खो बैठते हैं। इस टीवी सीरीज की स्टोरी बहुत अच्छी थी, मगर इसे 10 एपिसोड्स में नहीं बल्कि 3 या 4 एपिसोड्स तक खत्म कर देना चाहिए था, रिमूविंग ऑल दी अनवांटेड ड्रामा, तो तब शायद ये मुझे टीवी सीरीज और भी पसंद आती। बट क्योंकि इसे 10 एपिसोड्स तक घसीट दिया गया है, इसका मजा किरकिरा हो जाता है। तो आई फील सिंपैथी फॉर ऑल दोस पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन। इस टीवी सीरीज को देखने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग गया। क्योंकि ये टीवी सीरीज 3 एपिसोड्स के बाद में मुझे उतना अट्रैक्ट करके नहीं रख पा रही थी। अगर ये टीवी सीरीज रियली अच्छी होती तो शायद से मैं इसे एक ही दिन में खत्म कर देता। और रिसेंटली यानी कि कल ही मैंने इसे पूरा का पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं इस टीवी सीरीज को रिव्यू करूं। और अगर ये सब डिमांड नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस टीवी सीरीज को रिव्यू भी करता। सो ये था मेरा रिव्यू। इस टीवी सीरीज को रेटिंग देने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। IMDb पे मैंने इसका रेटिंग चेक किया जो कि अभी फिलहाल 8.1 के बीच में है, एंड ऑलमोस्ट 20,000 लोगों ने इसे रेट किया है, जो कि मुझे अगेन लगता है बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से अगर मैं सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा तो वो होगा 5.5 out of 10। यस, आपने सही सुना, वो होगा 5.5 out of 10, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्रामा से हमारा कहीं ना कहीं इस टीवी सीरीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल चीजें दिखाई गई हैं इस टीवी सीरीज में, तो ड्रामा ऑफ कोर्स नेसेसरी था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ड्रामा को कट करके इस टीवी सीरीज को एक मिनी टीवी सीरीज बना देना चाहिए था, तो शायद मैं इसे 5.5 नहीं और ज्यादा ही अच्छा रेटिंग देता। तो ये था हमारा रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई मूवी या टीवी शो रिव्यू करें तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।